हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका बैंकिंग टाइम में। तो दोस्तों, मार्च चल चुका है, फरवरी खत्म, और आज से ठीक एक साल पहले जब हमने मेंस दिया था और हम वेट कर रहे थे रिजल्ट का, तो एक एक दिन हम गिनते थे। तो सेम वही वाले कुछ दिन याद आ गए कि हाँ, हम पिछले एक साल पहले कैसे वेट करते थे रिजल्ट का, और एक एक दिन काटना कितना भारी हो चुका। तो उस टाइम पे बड़ी एक्साइटमेंट भी थी कि हाँ चलो भाई, 1 अप्रैल में रिजल्ट आएगा। अब कुछ ही दिन बाकी रह चुके हैं रिजल्ट के आने के लिए, और काफ़ी लोगों का सिलेक्शन होगा, काफ़ी लोगों के घर में खुशियाँ आएंगी, है ना, सरकारी बाबू बनेंगे लोग। तो ये वाली फीलिंग भाई अपना एक अलग ही लेवल की होती है। ठीक एक साल पहले हमने भी ऐसे यार वेट करते थे, करते 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 मैं और मेरा दोस्त था चंदन, सीवाई मेथड जिसका यूट्यूब चैनल है, तो हम दोनों ऐसी बातें बातें करते रहते थे। तो उसका तो चलो, 1 फरवरी में रिजल्ट आ गया, 1 जनवरी में रिजल्ट आ गया था, और मेरा रिजल्ट आया था फिर 1 अप्रैल को। तो देखते हैं, तो सेम वही फीलिंग आ रही है। वहाँ फिलहाल वर्किंग में है, अब रेडी शेडी होके। तो मैं पिछले दो दिन से सोच रहा था यार, फरवरी चलने वाला है, फरवरी खत्म, सॉरी मार्च चलने वाला है, मार्च आ गया, और हम भी पिछले एक साल पहले ऐसे वेट कर रहे थे रिजल्ट का, और बड़ी ही खुशामदी टाइप की फीलिंग थी। तो आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, रिजल्ट अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, बस आप वेट करिए थोड़ा सा। और बताइए आप लोगों के दिन कैसे गुजर रहे हैं, कैसे किस तरीके से आप वेट कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपना दिन गुजार रहे हैं ना, किस तरीके से आप दिन अपने ख़त्म कर रहे हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बाकी और आगे तैयारी व्यारी करते रहो दोस्तों। बाय, टेक केयर।